आज का भी ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और हमारी चल रही है एसईओ कीवर्ड की सीरीज। और आप लोगों को जस्ट एंटरटेन करने के लिए एक रिकॉर्डिंग करते करते एक वर्ड मेरे मुंह से निकल गया, मेरा स्टाफ जो है वो काफी हंस रहा है। आई थॉट कि चलो आप लोगों को भी हंसाया जाए। सो बेसिकली यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल वर्ड की बात कर रहे थे, यानी कि एक वचन और बहुवचन, या फिर इन अदर वे अगर हम इसको जो है इंग्लिश में बात करें तो सिंगल वचन या मल्टी वचन की बात करें। तो ऐसे में आज का हमारा ये टॉपिक यही है कि कीवर्ड्स में सिंगुलर और प्लूरल जो है ये क्या होते हैं, क्या वाकई ये कीवर्ड्स जो हैं वो हमारे लिए रैंकिंग का फैक्टर बन सकते हैं और रैंकिंग टॉप या फिर बॉटम में लेके जा सकते हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर, और जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गाइस मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। सो गाइस आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हमारे इस तरह की वीडियोज जो है पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, बहुत ही सारे जितने भी डोमेन्स हैं डिजिटल मार्केटिंग है वो वन बाय वन करके इस पूरे चैनल के ऊपर मैं कवर अप करने वाला है। बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं और पूरी यहां पे आपको हर चीज ओपनली प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल हर चीज समझाई जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो ऐसे में अगर हम बात करें सिंगुलर और या एक वचन या बहुवचन आप हिंदी में कह सकते हैं, सिंगुलर कीवर्ड और आपका प्लूरल जो कीवर्ड्स होते हैं, सो बेसिकली इनमें क्या डिफरेंस है, क्या वाकई ये फैक्टर बन सकते हैं आपका रैंकिंग का। तो बेसिकली यहां पर जो सर्च इंजिन्स हैं वो भी इस चीज को जो है आइडेंटिफाई करते हैं और इसमें भी रैंकिंग जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है। से फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आप मोबाइल एक सिंगल वर्ड है, मोबाइल के लिए आप जो है एक कोई भी ब्रांड का एक मोबाइल है, आपने लिखा मोबाइल, तो ऐसे में वो आपका एक सिंगल को आइडेंटिफाई कर रहा है, यानी कि एक सिंगल डिवाइस को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ऐसे में अगर आप इस कीवर्ड के ऊपर में काम करते हैं तो आपकी जो रैंकिंग है वो टॉप पे आ सकती है। लेकिन अगर किसी ने उस स्पेसिफिक ब्रांड का सिंगल मोबाइल को ना सर्च करके मोबाइल्स एस लगा दिया साथ में, यानी कि उसको प्लूरल कर दिया, यानी कि उसको बहुवचन में ले गया, तो आपकी रैंकिंग वो है नीचे जा सकती है, क्योंकि आपने जो कीवर्ड इस्तेमाल करे हैं वो एक सिंगल डिवाइस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन जो यूजर यहां पे सर्च कर रहा है वो मल्टीपल डिवाइस के लिए सर्च कर रहा है। तो ये जो है वो आपके वाकई रैंकिंग में जो है वो फैक्टर ला सकते हैं। तो ऐसे में मैं यहां पे थ्योरेटिकली तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि जब आप एक सिंगल कीवर्ड डालेंगे किसी एक सिंगल आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए, तो आपके जो सर्च रिजल्ट्स हैं टॉप फाइव की अगर आप चेक करें तो वो आपके डिफरेंट हो सकते हैं। और जब आप मल्टीपल यानी कि उसी वर्ड के आगे एस लगा के यानी कि उसको जो है प्लूरल बनाकर अगर आप सर्च करेंगे, ऐसे में जो है आपकी वो रैंकिंग जो टॉप फाइव की है वो चेंज हो सकती है और माइट बी जो पहले या दूसरे नंबर पे आ रहा था सिंगल के अंदर, लेकिन मल्टीपल में जब देखेंगे तो माइट बी वो वहां पर प्रेजेंट भी नहीं होगा टॉप फाइव के अंदर। ये इतना बड़ा इंपैक्ट जो है वो आपके रैंकिंग के अंदर डाल सकता है। तो जब भी आप रिसर्च करें तो आप देखें कि क्या वो एक सिंगल कीवर्ड के ऊपर में जो भी आप रैंकिंग देख रहे हैं वो सिंगल पे कौन कौन से हैं और जो आपके मल्टीपल पे है उसमें कितने रैंकिंग है। तो आपको अगर लगता है कि यार जो प्लूरल वर्ड है उसके ऊपर मैं रैंकिंग किसी की नहीं जा रही आएगी, तो डेफिनेटली सही, क्योंकि सर्च इंजिन है कुछ ना कुछ तो दिखाएगा। लेकिन एग्जैक्टली जो आप करना चाहते हैं क्या वो वहां पर अवेलेबल है या नहीं, अगर नहीं है तो आपके लिए चांस बढ़ जाता है आप सिंगल पे ना जाके आप प्लूरल पे जाके उस चीज को रैंक करवा सकते हैं। सो ये जो है थ्योरेटिकली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बाकी प्रैक्टिकली हम इसको कवरअप करेंगे। आई होप गाइस ये आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, अगर पसंद आ रहे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलता हूं एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड ऑलवेज बी गुड टू अदर्स।